हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर हेल्थ रिलेटेड वीडियो। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो अक्सर आप लोग फेस करते होंगे बारिश के मौसम में, या मौसम बदलने से, ठंड का मौसम आने से, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एसी अगर यूज़ करते हों तो आपने नोटिस किया होगा आपके घुटनों में, पैरों में, या फिर पैरों के तलवों में, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जब हम कभी बारिश में भीग जाते हैं तब भी हमारी टांगे बहुत दर्द करती हैं, हमारे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, बैठ के उठा नहीं जाता, उठ के बैठा नहीं जाता, और जोड़ों की समस्या होना आजकल आम बात है। उम्र कुछ भी है, जोड़ों की समस्या एक आम बात बनी हुई है। हर घर में 4 में से 3 लोगों को शायद अपने पैरों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, कटकट की आवाज़ आती है, हमेशा पैरों के जोड़ों में से कटकट की आवाज़ आती है। उसका कारण है हमारे शरीर में वात का बनना, और वात बनती है पेट साफ ना होने से। और पेट हमारा वात तब बनाता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड अपनी डाइट में लेते हैं, या फिर उस वात को कंट्रोल नहीं करते। और अपने शरीर के दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेन किलर्स का। पेन किलर्स का ज़्यादा यूज़ करने से हमारी किडनी पे फ़र्क पड़ता है और आगे चल के समस्या आती है। तो सबसे पहले तो डाइट से जंक फूड हटाइए, जितना हो सके मैदे को अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, तला भुना खाना अवॉइड कीजिए। अब आपको करना क्या है, आज का समाधान, सबसे पहले लेनी है आपको मेथी दाना। सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी आपको लेनी है, आसानी से मिल जाएंगी। आधी चम्मच मेथी दाना लेना है, हल्का कूट लीजिए उसको। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमारे शरीर से वात हटाते हैं, शरीर में जितनी भी गैस बनती है उसको हटाते हैं। साथ में आपको लेना है अदरक सूखी हुई। सूखी हुई अदरक आपको इजीली पंसारी की दुकान पे मिलेगी, नहीं मिले तो आपको किसी भी ब्रांड का अदरक का पाउडर, जिसको बोलते हैं सॉल्ट पाउडर, वो मिल जाएगा। आपको सॉल्ट पाउडर लेना है, काफ़ी अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स का भी सॉल्ट पाउडर अवेलेबल है मार्केट पे। सॉल्ट हमारे शरीर को साफ करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है। अब एक पैन में 1 ग्लास पानी लीजिए, आधी चम्मच मेथी दाना को हल्का माम दस्ते में कूट कर उसमें डाल दो, और आधी चम्मच ही सॉल्ट पाउडर डाल दो। दोनों को उबलने दो जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता और उसका असर पानी में नहीं आ जाता। उबलते उबलते ये रिड्यूस होगा और उसका कलर भी बदल जाएगा, तब आप इसको छान लीजिए। एक चाय की तरह आपका बनके रेडी हो गया। अगर आपको डायबिटीज या शुगर नहीं है तब आप इसमें आधी चम्मच के करीब शहद डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो, चीनी मत डालिएगा। अगर डायबिटीज है तो मीठा बिल्कुल अवॉइड करिएगा। अब आपको इसको लेना कब है, सुबह खाली पेट आपको इस चाय का सेवन करना है। हफ्ते में 3 बार इसका सेवन कीजिए, चाहे आप एक एक दिन छोड़कर कर लीजिए, या फिर लगातार 3 दिन कीजिए, फिर 3 दिन छोड़ दीजिए, फिर अगले हफ्ते फिर कीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। आपको ऐसा 3 से 4 हफ्तों तक लगातार करना है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जोड़ों की जो तकलीफ है उसमें आपको आज़ादी मिलेगी। महिलाओं को अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत रहती है पीरियड्स के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी के बाद, या फिर 30-35 की एज के बाद तकलीफ होना, जोड़ों में दर्द होना, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी पुरुषों के मुकाबले कम होती है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में डेली अखरोट का यूज करना है। अखरोट आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट ना पचता हो तो रात को 1 या 2 गिरी अखरोट की पानी में भिगो दीजिए, अगली सुबह उस गिरी को आप चबा चबा कर खा लो और उस पानी को भी पी डालो। अखरोट में सबसे ज़्यादा मिनरल फॉस्फोरस होता है, जो हमारे घुटनों के लिए, जोड़ों के लिए, पैरों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है बाकी किसी भी नट्स के मुकाबले। अगर आप डेली अखरोट का सेवन करते हैं तो आपके घुटनों की जो ग्रीस कम हो रही है धीरे धीरे, उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसका नेचुरल ऑयल जो है, जो मिनरल्स हैं, वो आपके शरीर को ताकत देंगे। मैं फिर बता रही हूं, उम्र आपकी कुछ भी है, आप ये उपाय कर सकते हो। सबसे पहले इसके साथ साथ जंक फूड अवॉइड कीजिए। आपने जरूर सुना होगा या महसूस किया होगा, जब भी आप बाहर का खा के आते हो आपका पेट बिगड़ जाता है। नॉनवेज खाते हैं तो अगले दिन पैरों में, तलियों में और घुटनों में बहुत ज्यादा ऐंठन रहती है। वालों को तो स्पेशली बोला जाता है, यूरिक एसिड वालों को स्पेशली बोला जाता है कि उन्हें नॉनवेज से परहेज करना है। इसके साथ साथ आपको बाहर का तला भुना बंद करना है।
आपको अपनी डाइट में सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकल सके। और आज का जो उपाय है वो आप 3 से 4 हफ्तों तक करके देखो। आसान सा उपाय है, आपकी उम्र कुछ भी है, आप चाय की तरह उसको दिन में एक बार सुबह खाली पेट पी कर देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर देना। बाय बाय।